नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो होगा करंट अफेयर्स एमसीक्यू लास्ट 6 मंथ का, जो कि अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एयरफोर्स और भी काफ़ी वन डे एग्ज़ाम जो आने वाले हैं, तो उनके लिए सितंबर से लेके मार्च तक का जो सभी करंट अफेयर्स है उनको हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ मैं बता दूँ कि इसका पीडीएफ फाइल जो आपकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक वहाँ से मिल जाएगा, तो आप लोग डायरेक्टली जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं लिंक के जरिए। तो लास्ट 6 मंथ का होगा, तो इसमें जो सितंबर से लेके मार्च तक अभी जो घटनाएं हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर पूछा जा सकते हैं या पूछे जाने की संभावना है, तो उनको यहाँ पे शामिल किया गया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा है कि हु विल रिसीव द सर्व वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड 2020 इन फेबरी 2020। मतलब कि फरवरी 2020 में सर्व महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त होगा? तो ऑप्शन हमारा ए जो होगा वहाँ पे सही होगा, नीति कुमार, ऑप्शन ए सही है। साथ ही साथ में ये भी बताते चले कि जो सर्व का फुल फॉर्म है वो है साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, जिसे हम कहते हैं साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है पार्लियामेंट में इसको प्रोवाइड कराया गया था। और साथ ही साथ में इसके बाद ये भी बताया चले कि साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड एक्ट 2008 के द्वारा ये लाया गया था पार्लियामेंट में। अगला क्वेश्चन अपना हम देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग वोन गोल्ड इन वेट लिफ्टिंग कंपटीशन एट द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इन उड़ीसा इन फेबरी 2020। मतलब कि इंडियन में से किसने फरवरी 2020 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भारोत्तोलक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो वो महेश दत्ता असावले एवं प्राजक्ता रविंद्र खलकर, ये दोनों ने क्या जीता है फरवरी 2020 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भारोत्तोलक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच स्टेज इज प्लानिंग टू अंडरटेक ए प्रोजेक्ट अंडर विच द जेनेटिक ट्रेट्स ऑफ ऑस्मन बॉडी गॉट रेड कंधारी काउ एंड डियोन बुल कार्वंस ऑफ पशमनी डॉग्स विल बी स्टडीज। इसको हम देख कि कौन सा राज्य एक परियोजना शुरू करने की योजना कर रहा है जिसके तहत उस्मानवादी बकरी, लाल कंधारी गाय, दिवनी बैल, कारवा या पश्चिमी कुत्ते के अनुवांशिक लक्षणों का परीक्षण या फिर अध्ययन किया जाएगा? तो महाराष्ट्र राज्य है जो कि उस्मानी बकरी, लाल कंधारी गाय और देवनी बैल, कारवां या फिर पश्चिमी कुत्ते का अनुवांशिक लक्षण का अध्ययन किया जाएगा इसके अंतर्गत, महाराष्ट्र बोर्ड के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन अपना हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है कि वेयर वॉज द 8 डे कल्चर फेयर कार्ड वसंतोत्सव इन गारंटेड इन फेबरी 2020। मतलब फरवरी 2020 में वसंतोत्सव नामक 8 दिवसीय सांस्कृतिक मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो वो किया गया था गांधीनगर, ठीक है। फरवरी 2020 में वसंतोत्सव नामक 8 दिवसीय सांस्कृतिक मेले का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 2020 में भारत में प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया गया प्रोटीन दिवस में? तो ये मनाया गया है यहाँ पे 27 फरवरी को मनाया गया है, ठीक है। तो ये कब मनाया गया है? 27 फरवरी को मनाया गया है प्रोटीन दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2020 में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में औपचारिक रूप से अधिसूचित किया गया वह युद्ध के बाद जवाबदेही और सामंजस्य पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव से पीछे हट रही है, ठीक है। एक बार फिर समझने की कोशिश करेंगे, फरवरी 2020 में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद को औपचारिक रूप से अधिसूचित किया कि वह युद्ध के बाद जवाबदेही और सामंजस्य पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव से पीछे हट रही है? इन फेबरी 2020 विच कंट्री हैज़ फॉर्मली नोटिफाइड द यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल दैट इज विथड्रॉइंग फ्रॉम द यूएन रिजोल्यूशन ऑफ पोस्ट वॉर अकाउंटेबिलिटी एंड रिकॉन्सिलेशंस, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, इसका जो ऑप्शन, तो ये श्रीलंका ऐसा देश है जो कि इसने यूएन मानवाधिकार के अंतर परिषद के अंतर्गत औपचारिक रूप से यह सूचित किया है यूएन को कि वो अपने जवाबदेही और सामंजस्य से पीछे हट रहा है, तो श्रीलंका ने किया है, ठीक है। ऑप्शन डी होगा हमारा सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने फरवरी 2020 में राष्ट्रपति भवन में किसकी आगवानी की थी? तो वो डोनाल्ड ट्रंप की थी, जैसा अभी हमने देखा भी था कि उनके परिपेक्ष में यहाँ पे नमस्ते डोनाल्ड की बात यहाँ पे कही गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन 8वां है कि निम्नलिखित में से किसे नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान दिया गया है? तो वो हमारा ऑप्शन जो होगा 3 सही होगा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। किसे?
तो निम्नलिखित में से किसे नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान दिया गया है? तो नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि बीसीसीआई ने 2020 में इंडियन प्रीमियर लीग के किस संस्करण के लिए कार्यक्रम की घोषणा की है? तो वो है संस्करण 13वां संस्करण। जो आईपीएल इस बार खेला जाएगा वो कौन सा संस्करण होगा? हमारा 13वां संस्करण होगा, इस बात का ध्यान रखना है। हालांकि अब जो है ये टाल भी दिया गया, अगर आपको पूछता है तो ये 15 अप्रैल तक जो है इसको टाल दिया गया है ड्यू टू कॉज ऑफ कोरोना वायरस, इसको भी हम देखेंगे आगे। अगला हमारा क्वेश्चन है फरवरी 2020 में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 4 दिवसीय भारतीय छात्र संसद का उद्घाटन कहाँ पे किया था? तो वो किया था नई दिल्ली में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, फरवरी 2020 में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 4 दिवसीय भारतीय छात्र संसद का उद्घाटन कहाँ पे किया था? नई दिल्ली में किया था। जनवरी 2020 में राष्ट्रपति ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कितनी पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि दी थी? तो इस बार जो पुण्यतिथि थी वो 72वीं पुण्यतिथि थी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2019 में किसने नए सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? तो हमारा जो मनोज मुकुंद नरवाना है इन्होंने क्या किया है, नए सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। देखिए यहाँ पे करमवीर जो है आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो करमवीर नहीं होंगे यहाँ पे, एक बार देख लेना आपको। तो यहाँ पे जो होंगे मनोज मुकुंद नरवाना है, इन्होंने नए सेना प्रमुख के रूप में पदभार को अपने ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2020 में खेलो इंडिया निम्नलिखित में से कौन सा खेल पहली बार शामिल किया जाएगा? तो लान बॉल और साइकिलिंग, ये दोनों जो है पहली बार ऑप्शन में शामिल की जाएंगे। किसमें? जनवरी 2020 में खेलो इंडिया में निम्नलिखित में से लान बॉल और साइकिलिंग दोनों पहली बार गेम स्थापित किए जाएंगे, शामिल किए जाएंगे। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है? तो किसने जीता है? रवांडा ने जीता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से किस मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है? तो जो प्रगति मैदान पहले स्टेशन हुआ करता था दिल्ली मेट्रो स्टेशन में, इसका नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है, कौन सा नाम कर दिया गया? सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, ऑप्शन ए जो होगा हमारा वो सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं हम वहाँ पे कि हु वॉज द पिक्ड एज कैप्टन ऑफ ESPN क्रिसिन्फो ऑफ ODI एंड T20 टीम्स ऑफ डिकेड इन जनवरी 2020। यहाँ पे जनवरी 2020 में मैक्री कैफो ODI T20 टीमों में कप्तान के रूप में किसे चुना गया है? तो आप सभी को पता होगा MS धोनी यहाँ पे काफ़ी चर्चित में रहे हैं, तो MS धोनी जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2019 का विषय क्या था? तो इसका विषय था क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2019 का विषय पीस था क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस। दिसंबर 2019 में अंतरिक्ष में 288 दिनों में पिछले रिकॉर्ड को पार करते हुए एक महिला द्वारा सबसे लंबे समय तक एकल अंतरिक्ष उड़ान का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो वो बनाया है क्रिस्टीना कोच ने। हालांकि यहाँ पे 328 दिन बताया गया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये करेक्ट डे कितना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि दिसंबर 2019 में अंतरिक्ष में 288 दिनों के पिछले रिकॉर्ड को पार करते हुए, हालांकि यहाँ बताया जा रहा है कि 328 दिन है, एक महिला द्वारा सबसे लंबे समय तक एक अंतरिक्ष उड़ान का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो क्रिस्टीना कोच ने बनाया है, ऑप्शन जी डी होगा हमारा सही हो जाएगा। डिफेंस एक्सपो 2020 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो डिफेंस एक्सपो 2020 जो है वो लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, जनवरी 2020 में केंद्र सरकार ने उजाला और स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम अर्थात SLNP ने देश को रोशन करने के लिए कितने साल पूरे किए हैं? तो इसने कितने साल पूरे किए हैं? 5 साल इन्होंने पूरे किए हैं, जो कि ऑप्शन डी में हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन अगले देखिए, स्मृति ईरानी यहाँ पर देखिएगा, इंडिया 2020 और भारत 2020 संदर्भ में वार्षिक पुस्तकें किसने जारी की है? तो इंडिया 2020 और भारत 2020 के संदर्भ में वार्षिक पुस्तकें किसने जारी की हैं? तो वो जारी किए हैं प्रकाश जावड़ेकर ने, यहाँ पे खाद्य एवं शिक्षा, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के यहाँ पे मंत्री हैं MHRD के। अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं हम, फरवरी 2020 में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 2020 के 5वें संस्करण को आयोजन किया है? तो वो है UK। फरवरी 2020 में भारत ने UK यानी यूनाइटेड किंगडम के साथ में संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 2020 के 5वें संस्करण का आयोजन किया है। निम्नलिखित में से कौन पुस्तक गर्ल पावर इंडियन वुमेन हु ब्रोक द रूल्स के लेखक हैं? तो ये लेखक हैं नेहा जे हीरानंदानी, ऑप्शन जो सी होगा हमारा वो सही हो जाएगा।
ग्यारहवीं विश्व बॉडी बिल्डिंग में 90 किलोग्राम में मिस्टर यूनिवर्स प्रोफेशनल 2019 का इंडियन मास्टर के रूप में किसे जाना जाता है? तो 11वें विश्व बॉडी बिल्डिंग में 90 किलोग्राम वर्ग के जो थे 2019 में इंडियन मास्टर के रूप में जाना जाता है वह है चित्रेंस नटेशन। ऑप्शन बी हो जाएगा, वो सही हो जाएगा हमारा। जनवरी 2020 में किस क्रिकेटर ने 2018-19 सत्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अपने शानदार प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित पाली उमरीगर पुरस्कार जीता है? तो वो जीते हैं यजुवंदर चहल, जसप्रीत बुमराह माफ़ कीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मिस दिवा यूनिवर्स 2020 कौन जीती है? तो मिस दिवा यूनिवर्स जो है वो एडिलिन केलोनी ने जीता है, ठीक है, एडिलिन के लिनो ने जीता है। ऑप्शन जो हमारा डी होगा वो सही हो जाएगा। विश्व दिवा यूनिवर्स किसने जीता है? एडिलिन केलिनो। निम्नलिखित में से कौन सा देश जनवरी 2022 में राष्ट्रमंडल शूटिंग और तीरंदाजी चैंपियनशिप में मेजबानी करेगा? तो वो देश है भारत, ठीक है। जो जनवरी 2022 में राष्ट्रमंडल शूटिंग और तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन देश करेगा 2022 में? वो करेगा हमारा देश भारत। क्वेश्चन नंबर 28 है कि फरवरी 2020 में निम्नलिखित में से किसे रूर्बन क्लस्टर में जियो टैगिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली एक मोबाइल ऐप जियो रूर्बन लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। फरवरी 2020 में निम्नलिखित में से किसने रूर्बन क्लस्टर में जियो टैगिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक मोबाइल ऐप जियो रूर्बन लॉन्च किया है? तो वो नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। फरवरी 2020 में एक राष्ट्रीय एकता शिविर अर्थात NIC की थीम पर एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वो किया गया है सिप्पिंग में। फरवरी 2020 में मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम वेब पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो फरवरी 2020 में मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम वेब पोर्टल का शुभारंभ जो किए थे वो किए हैं हरसिमरत और बादल, ठीक है, हरसिमरत कौर बादल किए हैं। फरवरी 2020 में मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम वेब पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो हरसिमरत कौर बादल ने किया है, ठीक है। दिसंबर 2019 में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के CAODI टीम ऑफ द डेकेड का कप्तान किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया MS धोनी को, जो कि अभी रिपीटेड क्वेश्चन है। छठावा यानी 66 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के निम्नलिखित में से किसको सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म से सम्मानित किया जाएगा? तो वो है हेलियोरो को, ठीक है। छठावें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में निम्नलिखित में से किसको सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म से सम्मानित किया जाएगा? तो वो है हेलोरो फिल्म। अगला क्वेश्चन हमारा देखा जाएगा तो यहाँ पे है कि चौथा संस्करण चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2019 का समापन कहाँ पे हुआ है? वो हुआ है मेघालय में। निम्नलिखित में से किसको छठावें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार प्राप्त किया है? तो आदित्य धर को 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के पुरस्कार प्राप्त हुआ है। किसको? आदित्य धर को। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस जो हमारा है वो 4 दिसंबर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार कई शिफ्ट में पूछा जा चुका है, जो कि डेट से इंपॉर्टेंट चीज़ है, फैक्टर है। एशिया का पहला और सबसे लंबा साइकिल राजमार्ग कहाँ के बीच स्थित है? जो एशिया का सबसे पहला और लंबा साइकिल राजमार्ग है वो उत्तर प्रदेश और इटावा और आगरा के मध्य में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने रणजी ट्रॉफी में 150 मैच खेले हैं। तो वसीम जाफर ने 150 रणजी ट्रॉफी में 150 मैच खेले हैं। दिसंबर 2019 में पूमा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सुनील छेत्री को दिसंबर 2000 यहाँ पे सुनील शेट्टी नहीं है, यहाँ पे सुनील छेत्री, इस बात को ध्यान रखना है, छेत्री 2019 में पूमा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा। दिसंबर 2019 में RBI ने एक नया सेमी क्लोज्ड प्रीपेड भुगतान उपकरण अर्थात PPI पेश किया है जिसका उपयोग कितने रुपए तक की वस्तुओं की सेवाओं को लेन देन के लिए किया जा सकता है? तो वो है 10,000, ठीक है। दिसंबर 2019 में RBI ने एक नया सेमी क्लोज्ड प्रीपेड भुगतान उपकरण अर्थात PPI पेश किया है जिसका उपयोग 10,000 रुपए तक वस्तुओं की सेवाओं के लेन देन में किया जा सकता है। उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू कश्मीर और राजौरी में 72 मीटर माल वेदर ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पे? राजौरी में, ठीक है। उपराज्यपाल जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर के राजौरी में 72 मीटर आल वेदर ब्रिज का उद्घाटन किया है।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे 2019 में कर्मवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नवंबर 2019 में, तो ये कर्मवीर चक्र से राहुल अधिकारी को कर्मवीर चक्र से 2019 में सम्मानित किया गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, विदेश मंत्रालय द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र प्रभाग में निम्नलिखित में से किन देशों को शामिल किया गया है, दिसंबर 2019 में शामिल किया गया था, ये किया गया था मेडागास्कर को, ठीक है, जो विदेश मंत्रालय द्वारा जो हिंद महासागर क्षेत्र है प्रभाग है उसमें हिंद मेडागास्कर को शामिल किया गया है दिसंबर 2019 में, इसको ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर दूसरा स्टार्टअप इंडिया ग्लोबल वेंचर कैपिटल समिट 2019 आयोजित किया गया था, जो कि 2019 में शामिल किया गया था, कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर दूसरा स्टार्टअप इंडिया ग्लोबल वेंचर कैपिटल समिट 2019 का आयोजन किया गया है, वो किया गया है गोवा में, इस बात को ध्यान रखेंगे। पेटीएम पेमेंट्स बैंक NEFT के मोड के माध्यम से अन्य बैंक खातों में अधिकतम कितनी राशि स्थानांतरित करने की अनुमति देता है, तो वो है 10 लाख, ठीक है। और यहाँ पे NEFT का फुल फॉर्म देखें तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, तो इसका NEFT का फुल फॉर्म होगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेज़बानी करेगा, तो वो है उड़ीसा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेज़बानी करेगा, तो हमारे देश में जो राज्य है उड़ीसा वो करेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे 46 नंबर है कि ढाका में पुरुष एकल बांग्लादेश जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन सीरीज 2019 किसने जीता है, ढाका में पुरुष एकल बांग्लादेश जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन सीरीज 2019 जो जीता है वो है मैसमन मिराबा लुआंग, ठीक है, ऑप्शन जो सी होगा सही हो। 47 नंबर का हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है कि हाल ही में समाचारों में टेरोपसेरोन इंडिकम को देखा गया था, यह जो है एक प्रकार की मछली की प्रजाति है, ठीक है, हाल ही में समाचारों में टेरोपसेरोन इंडिकम को देखा गया था, यह एक प्रकार की मछली की प्रजाति है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में CSIR पिलानी ने TPMS विकसित करने के लिए फ्लीका इंडिया के साथ सहयोग किया था, TPMS में पी का क्या अर्थ है, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे अगर फुल फॉर्म देखें तो TPMS का जो फुल फॉर्म है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है, जहाँ पे पी का मतलब क्या है, प्रेशर, ऑप्शन जो ए होगा हमारा वो सही हो जाएगा। विश्व शहर दिवस 2019 का विषय क्या था, तो विश्व शहर दिवस 2019 का जो विषय था वो चेंजिंग द वर्ल्ड इनोवेशन एंड बेटर लाइफ फॉर फ्यूचर जनरेशन, ऑप्शन जो सी होगा हमारा सही हो जाएगा। विश्व शहर दिवस 2019 का जो थीम था, जो विषय था वो चेंजिंग द वर्ल्ड इनोवेशन एंड बेटर लाइफ फॉर फ्यूचर जनरेशन, ऑप्शन सी हो जाएगा हम सारी। तो यहाँ पे जो अगला हमारा क्वेश्चन था कि हर वर्ष जो है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस का मनाया जाता है, तो हर वर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन हमारा ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि लोकपाल ने अपना नया लोगो और आदर्श वाक्य लॉन्च किया है, प्रशांत मिश्रा द्वारा डिजाइन किया गया लोगो कितनी प्रविष्टियों में से चुना गया है, तो ये कितनी प्रविष्टियों में से चुना गया है, 2236। जो लोकपाल ने अपना एक नया लोगो आदर्श वाक्य लॉन्च किया है, प्रशांत मिश्रा द्वारा ये डिजाइन किया गया था, और ये कितने लोगों प्रविष्टियों में से चुना गया है, तो ये 2236 प्रविष्टियों में से चुना गया है। अगला क्वेश्चन, बैंकॉक में चल रही एशियाई चैंपियनशिप में भारतीय तीरंदाजियों ने कितने कांस्य पदक जीते हैं, तो ये कितने कांस्य पदक इन्होंने यहाँ पे जीते हैं, तो 3 कांस्य पदक यहाँ पे इन्होंने जीते, ऑप्शन जो हमारा बी होगा वो सही जाएगा। बैंकॉक में जो चल रही थी एशियाई चैंपियनशिप में, तो भारतीय तीरंदाजों ने कितने कांस्य पदक जीते हैं, तो 3 कांस्य पदक जीते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा पहलू नए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम अर्थात IT अधिनियम 2020 द्वारा अधिक मजबूती से कवर किया जाएगा, तो वो है यह सभी, मतलब ऑनलाइन बदमाशी, जासूसी, फिशिंग। आपको पता होगा फिशिंग जो है ये जो है वेब पोर्टल से संबंधित ही है, आपको वहाँ पे पता चल जाएगा, अगर आप फिशिंग वहाँ पे डालते हैं नेट पे तो आपको उसका पता चल जाएगा, ठीक है। फिशिंग क्या है, ये जासूसी से संबंधित है, जो कि कई बार क्या होता है कि हमें मैसेज गलत करके वो हमसे पासवर्ड वगैरह जो है ले लेते हैं, तो उस तरह का हैकिंग टाइप का एक है, आप वहाँ पर देख ले सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा पहलू नया सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT अधिनियम 2020 द्वारा अधिक मजबूती से कवर किया जाएगा, तो ऑनलाइन जो बदमाशी, जासूसी और फिशिंग जो की जाती है, इन सभी पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाएगा। मेगा इवेंट रेस अर्थात RAISC 2020 में रेस्पॉन्सिबल ऑल फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020 AL अप्रैल
एआई अप्रैल 2020 में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में मेगा इवेंट जो रेस 2020 है वो रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट अर्थात एआई अप्रैल 2020 में आयोजित किया जाएगा, ये नई दिल्ली में किया जाएगा। आईक्यू एयर द्वारा पीएम 2.5 कण प्रदूषण डेटा के वैश्विक संकलन के अनुसार 2019 में सबसे प्रदूषित देशों के मामले में भारत की रैंक क्या थी? तो भारत की जो रैंक थी वो थी चौथी रैंक। अगला हमारा क्वेश्चन, एक फरवरी 2020 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किए जा रहे हैं? तो फरवरी 2020 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो कि आयोजित किया जा चुका है वो उड़ीसा में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिम्स्टेक म्यांमार थाईलैंड से भारत के लिए लगभग 3000 किलोमीटर लंबी बिजली ग्रिड को जोड़ने का काम कर रही है, निम्नलिखित में से कौन बिम्स्टेक क्षेत्रीय पावर ग्रिड में निवेश कर रहा है? तो एडीबी और एआईबी ये दोनों जो है बिम्स्टेक क्षेत्रीय पावर में ग्रिड में निवेश कर रहे हैं। सो बेसिकली अगर बात की जाए बिम्स्टेक की फुल फॉर्म की, तो यहाँ पर जो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म होती है वो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव्स फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमी कॉरपोरेशन। ठीक है, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म जो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमी कॉरपोरेशन जो है, और इसमें जो क्षेत्रीय जो निवेश कर रहा है वो एडीबी और एआईबी दोनों क्षेत्र मिलकर निवेश कर रही है। गुलमर्ग से आइस रिंग में आयोजित छठी राष्ट्रीय आइस स्टॉक स्पोर्ट चैंपियनशिप में किस टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो गुलमर्ग में जो आइस रिंग में आयोजित छठी जो राष्ट्रीय आइस स्टॉक स्पोर्ट में चैंपियनशिप में जो टीम जीती है स्वर्ण पदक वो है जम्मू और कश्मीर की। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि फरवरी 2020 में मारिया शारापोवा ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो वो टेनिस की प्लेयर हैं, आपको पता भी होगा जो मारिया, आपको आपने सुना भी होगा। फरवरी 2020 में मारिया और शारापोवा ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है, वह टेनिस से संबंधित प्लेयर हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि आईपीसी का विस्तृत रूप क्या है? तो इंडियन पिनल कोड आपको पता भी होगा 302, 303, 304, आईपीसी की धारा 302 के तहत जो मर्डर होता है केस कर दिया गया या फिर किसी भी तरह का, तो अभी हाल में चल रहा था ना कि 370 आईपीसी की धारा, तो इंडियन पिनल कोड जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व रेडियो दिवस 2020 का विषय क्या था? तो विश्व रेडियो दिवस 2020 का जो विषय था रेडियो और विविधता इसका विषय था। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या थी? तो इसमें देखते हैं, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के द्वारा जो जारी किया गया था मानव विकास सूचकांक, इसमें जो भारत की रैंक थी वो थी 129वीं रैंक थी। ऑप्शन जो हमारा सी होगा वो सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि हरियाणा पुलिस ने कौन सा ऐप SKOCH गवर्नेंस पुरस्कार 2019 जीता है? तो दुर्गा शक्ति ऐप ने क्या जीता है? SKOCH गवर्नेंस पुरस्कार 2019 का जीता है। कौन सा ऐप है? ये दुर्गा शक्ति ऐप है। सो बेसिकली इफ़ यू टॉक टू अबाउट स्कॉच अवार्ड, इट्स इंस्टीट्यूट इन 2003 इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन द कंट्री कन्फर्ड बाय द इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये दिया जाता है, जो कि इसमें अच्छा काम करती है तो इसको वो जो है एक इंडिपेंडेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके द्वारा ये दिया जाता है स्कॉच। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि दिसंबर 2019 में कौन सा देश कुवैत को पछाड़ते हुए भारत का छठा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो वो बन गया है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है, जो अभी तक सबसे ज़्यादा हम निर्यात करते थे वो किससे करते थे अभी तक? हम कुवैत से करते थे। तो सबसे ज़्यादा छठा जो संस्करण है इसको पीछे कर छठे नंबर पर कौन आ गया है? अब सबसे ज़्यादा देता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ऑप्शन जो हमारा सी होगा वो सही हो जाएगा। हाफ द नाइट इज गॉन उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये अमिताभ बागची जो है हाफ द नाइट इज गॉन उपन्यास के लेखककार हैं। निम्नलिखित में से किसे फोर्ब्स द्वारा विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में नामित किया गया है? तो वो है हमारी जो कि अभी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण की। ऑप्शन हमारा दो जो है हमारा सही हो जाएगा। ये है जो है फोर्ब्स के द्वारा जो विश्व की सबसे 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं को नाम नामित किया जाता है, तो इसमें जो निर्मला सीतारमण जी का भी नाम इसमें शामिल कर लिया गया है। दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसी आईसीसी के ओडीआई और टी20 दोनों की टीम ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है? तो वो हैं हमारा जो ऑप्शन स्मृति मंधाना जो हो जाएगा, ऑप्शन जो हमारा ए होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से आईसीसी की ओडीआई और टी20 टीम ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया जो स्मृति मंधाना को।
अगला हमारा प्रश्न है कि दिसंबर 2019 में विश्व की पहले पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक विमान ने जो कि कनाडा से अपनी उद्घाटन परीक्षण उड़ान भरी है, ठीक है। तो दिसंबर 2019 में विश्व के पहले पूरी तरह से जो इलेक्ट्रिक थी, ये इलेक्ट्रिक विमान है आपको बता दें, ये कनाडा से इसने अपनी उद्घाटन को यहाँ पर शुभारम्भ किया। दिसंबर 2019 में दूरसंचार विभाग अर्थात DOT दूरसंचार विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अनीता प्रवीण को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो विजय दिवस जो है वो 16 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसने स्टीलिंग इंडिया 2019 सम्मेलन में आयोजित किया है, तो वो किया है भारतीय उद्योग परिसंघ ने स्टीलिंग इंडिया 2019 सम्मेलन का आयोजन किया था। इसमें से किस क्रिकेट खिलाड़ी को भारत में लॉ लीग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसमें से जो हमारे ऑप्शन जो रोहित शर्मा होंगे वो सही हो जाएंगे, ठीक है। तो लॉ लीगा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है, रोहित शर्मा को। दिसंबर 2019 में मुंबई के निम्नलिखित रेलवे स्टेशनों में से किसे ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से किसे सम्मानित किया गया है, मुंबई सेंट्रल को सम्मानित किया गया है ईट राइट स्टेशन के रूप में। दिसंबर 2019 में जारी ICC टेस्ट बल्लेबाज रैंकिंग में विराट कोहली की रैंक क्या थी, तो पहली रैंक थी। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए और ये काफ़ी गर्व की बात है कि दिसंबर 2019 में जो जारी की गई थी ICC टेस्ट बल्लेबाज रैंकिंग में, उनमें विराट कोहली की पहली रैंक थी। जनवरी 2020 में जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राजीव राय भटाया को जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। किसको, राजीव राय भटनागर को। जनवरी 2020 में इंग्लैंड ने हेस्टिंग में प्रतिष्ठित हेस्टिंग इंटरनेशनल शतरंज कांग्रेस के 95वें संस्करण में किसने खिताब जीता है, तो वो जीते हैं पी मंगेश चंद्रन ने। ऑप्शन जो हमारा सी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि संगीत श्रेणी में ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 किसने जीता है, तो संगीत श्रेणी ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 किसने जीता है, तो वो जीती हैं सुचेता सतीश ने जीता है। जनवरी 2020 में किसने सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है, तो जी बबीता रायडू जी ने जनवरी 2020 में सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में अपना यहाँ पे पदभार संभाला है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आप रियायत कर लेंगे क्योंकि ये पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस टीम ने लड़कों और लड़कियों दोनों श्रेणियों में 5वीं आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया अर्थात IHAI नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 जीता है, तो वह है लद्दाख ने जीता है। यहाँ पे फुल फॉर्म की बात करें तो IHAI का, तो आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया यहाँ उसको फुल फॉर्म है, इसको लद्दाख ने जीता है। जनवरी 2020 में भोपाल के 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों का 10 मीटर एयर पिस्टल स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो वो जीते हैं सौरभ चौधरी ने जीता है। जो जनवरी 2020 में भोपाल में 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में हुआ था, तो पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक किसने जीता है, सौरभ चौधरी ने स्वर्ण पदक जीते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अर्थात NMC के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो सुरेंद्र चंद शर्मा को पहले अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। वहीं इसकी बात करें तो फुल फॉर्म जो है नेशनल मेडिकल कमीशन, ठीक है, नेशनल मेडिकल कमीशन का फुल फॉर्म है। जनवरी 2020 में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो कि 4987 मीटर है, विंसन मासिफ पर किसने विजय हासिल किया है, तो मानसिफ पर किसने विजय हासिल किया, जो कि हमारा ऑप्शन बी होगा वो सही हो जाएगा। मालवथ पूर्णा ने जनवरी 2020 में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी जो पर्वत चोटी है जो कि 4987 मीटर लंबी है, विंसन मासिफ पर जो है मालवथ पूर्णा ने विजय हासिल किया है। दिसंबर 2019 में एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया अर्थात एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो वो है निरंजन हीरानंदानी, ठीक है। दिसंबर 2019 में जो एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया अर्थात एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में निरंजन हीरानंदानी को चयनित किया गया है। फरवरी 2020 में एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अर्थात CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राजीव बंसल को नियुक्त किया।
यहाँ पे जो फुल फॉर्म होता है CMD का, चेयरमैन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। इन फेबरी 2020 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर था CMD ऑफ एयर इंडिया। तो ये किसको किया गया है, अरविंद, माफ़ कीजिएगा, राजीव बंसल को। ठीक है, ऑप्शन जो हमारा डी होगा वो सही हो जाएगा। फरवरी 2020 में किस राज्य ने अपना 34वां राजत्व दिवस मनाया है, तो अरुणाचल प्रदेश में अपना 34वां राजत्व दिवस मनाया है। फ्रांस में 34वें कांस ओपन अर्थात शतरंज में निम्नलिखित में से किसने चैंपियनशिप का खिताब जीता है, तो वो डी गुकेश जी ने 34वें कांस ओपन शतरंज में निम्नलिखित में से खिताब जीता है। ठीक है, जो कांस ओपन अभी हुआ था, 34वां कांस ओपन शतरंज खिलाड़ी में जो हुआ था उसमें डी मुकेश ने चैंपियनशिप का खिताब जीता है। फरवरी 2020 में नई दिल्ली में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के समापन के दिन 74 किलोग्राम वर्ग में किसने रजत पदक जीता है, तो जितेंद्र ने 74 किलोग्राम में रजत पदक जीता है। ठीक है, ऑप्शन जो सी होगा हमारा वो सही हो जाएगा। फरवरी 2020 में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल अर्थात FATF की ग्रे सूची में निम्नलिखित में से कौन सा देश पाकिस्तान के साथ शामिल हो गया है, तो वो है मॉरिशस। ठीक है, जो FATF होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जो कि ग्रे लिस्ट में, इसका मतलब कि मॉरिशस को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो इसका मतलब है कि ये जो ग्रे लिस्ट है, मतलब इसमें आतंकवाद इसको बढ़ावा ज़्यादा दे रहा है ये देश। ठीक है, इसमें शामिल कर लिया गया है। फरवरी 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा एक नए मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है, तो वो संजय कोठारी को। फरवरी 2020 की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय जो समिति बनाई गई थी उसके मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में चयनित किया गया है संजय कोठारी को। फरवरी 2020 में जनरल बिपिन रावत और तीनों सेवाओं के दिग्गजों ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक किस वर्ष में राष्ट्र को समर्पित किया था, तो 2019 में। ठीक है, फरवरी 2020 में जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के दिग्गजों ने सैनिक शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी, और प्रधानमंत्री मोदी ने जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है इसको जो निर्माण किया था, जिस पे अभी जो है हाल ही फिलहाल बिपिन रावत और तीनों जो सेनाओं के अध्यक्ष दिग्गज हैं उन्होंने श्रद्धांजलि पेश की थी। 2019 में इसका निर्माण किया था, किसका, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का। ऑप्शन जो हमारा ए हो जाएगा वो सही हो जाएगा। इसका निर्माण कब किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2019 में। अगला हमारा है कि विश्व चिंतन दिवस 2020 का विषय क्या था, तो विश्व चिंतन दिवस 2020 का जो विषय था वो डाइवर्सिटी इक्विटी एंड इंक्लूजन, इसका जो है विषय था, किसका, विश्व चिंतन दिवस 2020 का। चित्रा भारती फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, तो चित्रा भारती फिल्म महोत्सव जो आयोजित किया जा रहा है वो गुजरात में आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में सुरंग बावड़ी ने विश्व स्मारक निधि के दक्कन पठार के प्राचीन जल प्रणाली के तहत विश्व स्मारक वाच सूची में प्रवेश किया है। यह कहाँ पर स्थित है, यह स्थित है कर्नाटक में। हाल ही में सुरंग बावड़ी ने विश्व स्मारक निधि के दक्कन पठार के प्राचीन जल प्रणाली के तहत विश्व स्मारक वाच सूची में प्रवेश किया है, यह कर्नाटक में है। फरवरी 2020 में किसने खुले पानी, यहाँ पर दिया गया है कि किसने खुले पानी में 14 किलोमीटर दौड़ने तैरने का सबसे तेज दिव्यांग लड़की बनकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, फरवरी 2020 में किसने खुले पानी में 14 किलोमीटर तैरने वाली सबसे तेज दिव्यांग लड़की बनकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो ये जिया राय है। ऑप्शन ए हो जाएगा, वहाँ सही हो जाएगा। जो हमारा क्वेश्चन है हमारा 95 की डैश और बार्नार्डिन एवरिस्टो ने संयुक्त रूप से 2019 बुकर पुरस्कार जीता है, तो मार्गरेट एडवुड और बार्नार्डिन एवरिस्टो ने संयुक्त रूप से 2019 में बुकर पुरस्कार जीता है। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से किसे फिजियोलॉजी का या चिकित्सा के लिए 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, सम्मानित किया गया है, तो हमारा विलियम जी कैलेन जूनियर को भी दिया गया है, ग्रीग एल सेमेंजा को भी दिया गया है, पीटर जे रैटक्लिफ को भी दिया गया है। तो इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं कि उपरोक्त सभी को दिया गया है। ठीक है, तीनों जिनों को दिया गया है। ऑप्शन हमारा जो फोर होगा वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2019 में, तो वो जेम्स पीबल्स, मिशेल्स मेयर्स और डीडीए कैलोज, तीनों को जो है भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं इस बार, इसको आप ध्यान में रखेंगे।
अगला हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से किसने 26 नवंबर 2019 को जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष 10 में अपनी पहली प्रविष्टि दर्ज की है, तो वह है मयंक अग्रवाल। ठीक है, 26 नवंबर 2019 को जारी की गई थी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग शीर्ष में जो 10 में अपनी पहली रैंकिंग प्रविष्टि किसने की थी, मयंक अग्रवाल ने किया। 2019 में गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर काठमांडू में भारत और नेपाल से खादी और हथकरघा वस्त्रों का नेपाल फैशन शो आयोजित किया गया था। कहाँ पे किया गया था, काठमांडू में। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हमारी सेंचुरी पूरी होती हुई। सवा क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन अर्थात IAAF ने आधिकारिक तौर पर अपना नाम बदलकर अब इसे क्या कर लिया है, तो वर्ल्ड एथलेटिक्स इसका नाम बदल दिया। जो पहले इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन था, इसका नाम बदलकर अब वर्ल्ड एथलेटिक्स कर दिया गया है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो 25 नवंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 25 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन हमारा ए सही होगा। 22 नवंबर 2019 को जो है बांग्लादेश में 4 दिवसीय ओशन डॉन्स फेस्टिवल 2019 का शुभारंभ किया गया था। कहाँ पे, बांग्लादेश में। किस देश ने भारत को 1 बिलियन की अत्याधुनिक MK-45 नेवल गन्स की बिक्री को मंजूरी दे दी है, तो वो है हमारा USA, जो कि अभी वार्ता जल्द में हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप हमारे भारत आए थे, नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप के बाद यहाँ पे छेड़ी गई थी। तो किस देश ने भारत में 1 बिलियन की अत्याधुनिक MK-45 नेवल गन्स की बिक्री को मंजूरी दी है, तो USA ने दे दी। हमारा अगला है 104 नंबर की, निम्नलिखित में से किसे नवंबर 2019 में द मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ द आर्ट का मानद ट्रस्टी बनाया गया है, तो वो है हमारे नीता अंबानी को मानद ट्रस्टी का। एक बार फिर से देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे नवंबर 2019 में द मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट का मानद ट्रस्टी जो है नीता अंबानी को बनाया गया है। हु वॉज नेम्ड एज द हॉनररी ट्रस्टी ऑफ द मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट इन नवंबर 2019। ठीक है, तो वो हमारा नीता अंबानी है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। इनमें से किसने स्पेन के लिए मैड्रिड में 6ठा डेविस कप जीता है, तो वो जीते हैं राफेल नडाल ने। ठीक है, राफेल नडाल ने जो है स्पेन के लिए मैड्रिड का 6ठा डेविस कप खिताब जीता है। मध्य प्रदेश के पूर्व CM जो कि कैलाश जोशी थे, का नवंबर 2019 में निधन हो गया। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश अपने छात्रों को ब्लॉकचेन संचालित प्रमाण पत्र जारी करने वाला भारत का पहला संस्थान बन गया है। तो जो डिजिटल गुरुकुल है वो अपने छात्रों को ब्लॉकचेन संचालित प्रमाण पत्र जारी करने वाला पहला ऐसा संस्थान बन गया है। कौन, डिजिटल गुरु। जनवरी 2020 में किस राज्य ने शिव भोजन की आयोजना की है, तो योजना शुरू की है। तो जनवरी 2020 में जो है महाराष्ट्र ने शिव भोजन योजना शुरू की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड, ठीक है, निम्नलिखित में से किसे फुटबॉल स्पोर्ट डेवलपमेंट लिमिटेड अर्थात FSDL द्वारा इंडियन सुपर लीग अर्थात ISL के सीजन के 6 समापन के मेजबान स्थल के रूप में घोषित किया गया है, तो वह स्थान है गोवा। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की जगह निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन गया है, तो अभी जो कि मोटेरा स्टेडियम आपको पता भी होगा, जिसमें कि अभी 1 लाख समथिंग करके आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि कितने उस पर आप, 1,15,000 शायद समथिंग करके हैं, यहाँ पे कंफर्म मुझको नहीं आ रहा याद। तो मोटेरा स्टेडियम जो है वो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की जगह निम्नलिखित में से जो मोटेरा स्टेडियम है वो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम घोषित कर दिया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम अर्थात IRCTC द्वारा संचालित की जाने वाली तीसरी ट्रेन निम्नलिखित में से कौन सी बन गई है, तो काशी महाकाल एक्सप्रेस जो है वो भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम अर्थात IRCTC द्वारा संचालित की जाने वाली तीसरी ट्रेन बन गई है। यौन दुराचार और शोषण की शिकायतों को सुनने के लिए किस राज्य के स्कूलों ने जल्द ही विशेष पोस्को सेल होंगे, तो ठीक है वो है बिहार राज्य में। ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। फरवरी 2020 में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदारी बनते हुए किस देश ने चीन को पीछे हटा दिया है, तो वो है अमेरिका। ठीक है, यहाँ से अमेरिका का सबसे ज़्यादा व्यापार हम करते हैं अमेरिका के साथ में, इसने चीन को भी पछाड़ दिया है।
अगला हमारा प्रश्न है कि भारत की यात्रा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका राष्ट्रपति हैं, तो कैसरे राष्ट्रपति हैं या सातवें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ऑप्शन जो हमारा डी होगा वो सही हो। एमएसएमई के ऋण के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए किस बैंक ने दिसंबर 2019 में गुजरात सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने। एमएसएमई के ऋण के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए जो बैंक ऑफ बड़ौदा था वो 2019 में गुजरात सरकार के साथ एक समझौता स्थापित किया था, यहाँ पे साइन किया था। यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। तो देखिए, अजमेर में खरमोर पक्षी पाया जाता है, सही है। चूरू में काला हिरण भी पाया जाता है, जो कि अभी काला हिरण जो कि पता भी होगा, जो सलमान खान की जो फिल्म शूटिंग हो रही थी। अगला है हमारा कि जयपुर में चीतल हिरण पाया जाता है, उदयपुर यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन जो हमारा डी होगा वो सही हो जाएगा, उदयपुर का यहाँ पे सुमेलन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी रग्बी से संबंधित है? तो वेब एलिस कप जो है वो रग्बी ट्रॉफी से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है कि फरवरी 2020 में यूथ हॉस्टल नगरोटा में आयोजित 7 दिवसीय 12वें राष्ट्रीय स्तर जनजाति युवा विनिमय कार्यक्रम अर्थात TYEP का उद्घाटन किसने किया था? तो सरमद हफीज ने किया था। फरवरी 2020 में यूथ हॉस्टल नगरोटा में आयोजित 7 दिवसीय 12वें राष्ट्रीय स्तर जनजाति युवा विनिमय कार्यक्रम अर्थात TYEP का उद्घाटन सरमद हफीज ने किया था। वहीं अगर अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो जनवरी 2020 में तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ शुरू किया गया था? तो किया गया था गुवाहाटी में, ऑप्शन ए जो हमारा सही है। फरवरी 2020 में नई दिल्ली में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 87 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो वो जीते हैं सुनील कुमार, ऑप्शन जो हमारा सी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि फरवरी 2020 में निम्नलिखित में से किसने एशियाई फुटबॉल परिसंघ अर्थात AFC की ग्रास रूट चार्टर का स्तर सदस्यता प्राप्त की है? फरवरी 2020 में जो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने एशियाई फुटबॉल परिसंघ अर्थात AFC की ग्रास रूट चार्टर का स्तर की सदस्यता प्राप्त कर ली है, ऑप्शन जो हमारा 4 होगा वो सही हो जाएगा। विश्व जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2019 में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है? तो वो है हमारा भारत। शंघाई महोत्सव 2019 कहाँ पे शुरू हुआ? तो शंघाई महोत्सव 2019 जो शुरू हुआ था वो मणिपुर में शुरू हुआ। विश्व शौचालय दिवस 2019 का विषय क्या था? तो लिविंग नो वन बिहाइंड जो है विश्व शौचालय दिवस 2019 का जो विषय था, थीम था। नवंबर 2019 में बिम्स्टेक देशों के लिए तटीय सुरक्षा कार्यशाला कहाँ शुरू की गई है? तो नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के लिए तटीय सुरक्षा कार्यशाला शुरू की गई है, ऑप्शन जो हमारा। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के विभिन्न हिस्सों में 1000 से अधिक व्यक्तियों का जीनोम अनुकरण किया है? तो जो जीनोम अनुकरण किया है वो है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ठीक है। हमारे जो तीन ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। यहाँ पे है 12 घंटे 14 मिनट और मिनट के रिकॉर्ड समय में आयरमैन मलेशिया को पूरा करने वाले सबसे तेज भारतीय कौन बने हैं? तो वो हैं स्वरूप सिंह कुंतल। यहाँ पे 12 घंटा 12 आवर 14 मिनट और 30 सेकेंड, ठीक है, 30 सेकेंड के रिकॉर्ड समय को आयरन मैन मलेशिया को पूरा करने वाले सबसे तेज भारतीय कौन बने हैं? वो हैं स्वरूप सिंह कुंतल, ऑप्शन जो हमारा सी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। हाल ही में क्षुद्रप गायक रमाकांत गुंदेजा का निधन हो गया है, उन्हें जो है 2012 में पद्मश्री सम्मानित किया गया था, इस बात का ध्यान रखेंगे। नवंबर 2019 में दुबई संयुक्त अरब अमीरात के ABLF लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो वह है साइरस पूनावाला को सम्मानित किया गया है। नवंबर 2019 में सुल्तान लोधी में गुरु नानक देव की अचीवर्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो अवनीत सिद्धू को नवंबर 2019 में सुल्तानपुर लोधी गुरु नानक देव जी की अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया, ऑप्शन डी जो होगा हमारा वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे पब्लिक सर्विस इनिशिएटिव श्रेणी में गोल्डन लीफ अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो वो है हमारे भारतीय तंबाकू बोर्ड को जो है पब्लिक सर्विस इनिशिएटिव श्रेणी में गोल्डन लीफ अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। नवंबर 2019 में एशियाई फिल्म महोत्सव बर्सिलोना में किस फिल्म में प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है? तो वो है भोसले। नवंबर 2019 में पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए निम्न में से किसको राजा राम मोहन राय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है गुलाब कोठरी।
आपातकालीन चिकित्सा 10वें एशियाई सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है नवंबर 2019 में? तो आपातकालीन चिकित्सा के 10वें एशियाई सम्मेलन का उद्घाटन जो किए थे वह वेंकैया नायडू ने किया था। किस संस्थान ने अराइज नामक एक स्टैंडिंग व्हील चेयर विकसित किया है? तो वह है आईआईटी जो है मद्रास ने एक स्टैंडिंग व्हील चेयर जो है विकसित किया है। नवंबर 2019 में 3 दिवसीय विश्व यात्रा बाजार अर्थात WTM कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो किया गया है लंदन में। साहित्य अकादमी ने ईरान के दूतावास के साथ मिलकर जनवरी 2020 में एक इंडो ईरानी राइटर्स बैठक का आयोजन कहाँ किया है? तो वो किया है नई दिल्ली में। जनवरी 2020 में दुबई ग्लोब साकर अवार्ड से बेस्ट मेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर के सम्मानित किसको किया गया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जनवरी 2020 में दुबई ग्लोब साकर अवार्ड से बेस्ट मेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो भारत की रैंकिंग थी 79वीं, मतलब 79 रैंकिंग थी। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 2019 में 79 रैंकिंग थी भारत की। अभिजीत विनायक बनर्जी को 2019 के नोबेल मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनमें किस क्षेत्र में ये थे? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अभिजीत विनायक बनर्जी जो थे वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2019 में यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कारों के लिए भारत में कितने स्थल चुने हैं? तो वो चुने हैं 4 स्थल जो सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2019 में यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कारों के लिए भारत के कितने स्थल को चुना है? 4 स्थानों को। PSA 20 रैंकिंग में शीर्ष 10वें प्रवेश करने वाले भारतीय पुरुष स्क्वैश खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो वह हैं सौरभ घोषाल। 2019 में बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो वह हैं कला अभिनव रंगमंच के क्षेत्र में। किस एथलीट ने एशियाई खेलों में 48 साल का अंतराल के बाद पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो वो जीते हैं अरपिंदर सिंह। किस एथलेटिक एशियाई ने अरपिंदर सिंह ने एशियाई खेलों में 48 साल के अंतराल के बाद पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते हैं। 2019 में ICC इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरी में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो बन गई है GS लक्ष्मी। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 किस शहर में आयोजित किया जाने वाला है? तो वो है पेरिस में आयोजित किया जाने वाला है। इनमें से किस कंपनी ने भारत में एक नया ऐप ऑडिबल सनो लॉन्च किया है? तो ऑडिबल सनो किसने लॉन्च किया है? वो लॉन्च किया है ऑडिबल ने। राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक किस शहर में हुई है? तो राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक जो है वो कानपुर में हुई है। किस राज्य में दिसंबर 2019 में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय ऑरेंज फेस्टिवल शुरू हुआ है? तो मणिपुर में हुआ है। ऑप्शन जो हमारा बी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी 150 रणजी मैच खेलने वाले भारतीय क्रिकेट के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं वसीम जाफर। रिपीटेड क्वेश्चन है। नेपाल के 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में भारत ने कितने पदक प्राप्त किए हैं? तो भारत ने 312 पदक प्राप्त किए। नेपाल के 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में भारत ने 312 पदक प्राप्त किए हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दीपा मलिक को 2019 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मार्च 2020 में कौन सा देश 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस की मेजबानी करेगा? तो वो भारत है जो कि 2020 में 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस की मेजबानी करेगा। दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसे कोस्टा रिका गणराज्य में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उपेंद्र सिंह रावत को जो है कोस्टा रिका गणराज्य में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसे 2019 में टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर जो है वो ग्रेटा थनबर्ग को टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर नाम से सम्मानित किया गया है। डूडल फॉर गूगल प्रतियोगिता 2019 किसने जीता है? तो दिव्यांशी सिंघल ने डूडल फॉर गूगल प्रतियोगिता को जीता है। 2019 में महाराष्ट्र का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो भगत सिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र का राज्यपाल 2019 में नियुक्त किया गया था। चीनी कंपनी हुवाई द्वारा निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू किया गया है?
तो हार्मनियोस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू किया गया है हुआई द्वारा जो चीन में है। अगला प्रश्न हमारा है कि लेफ्टिनेंट जनरल डैश ने अंडमान और निकोबार कमांड अर्थात सिन चैन के 14वें कमांडर इन चीफ का पदभार संभाला है। तो पोंडली शंकर राजेश्वर ने अंडमान और निकोबार कमांड के सिन चैन 14वें कमांड इन चीफ का पदभार संभाला है। रेलवे डैश सेंट्रल स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाण से सम्मानित किया गया, अभी हमने पढ़ा भी था तो मुंबई था, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हमारा कि दूत भोकानाल किस खेल से संबंधित है, तो दत्तू भोकानाल जो है वो रोइंग खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा है कि दक्षिण ध्रुव अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बन गई है, तो दक्षिण ध्रुव अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर जो बन गई है वो अपर्णा कुमार बन गई है। मड़ई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो मड़ई त्यौहार जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले क्रिकेट के इतिहास में सातवें बल्लेबाज कौन बन गए हैं, तो सातवें बल्लेबाज हालांकि हम जानते हैं कि युवराज सिंह भी अपने जो है भारत के हैं एक, तो सातवें जो बल्लेबाज बन के रूप उनके रूप में अगर देखा जाए तो लियो कार्टर जो है वो सातवें बल्लेबाज बन गए हैं। अपने पहले उपन्यास आशा एंड द स्प्रिट बर्ड के लिए यूके के बच्चों को बुक अवार्ड मिला गया है, तो जसविंदर बिलन, ठीक है। अपने पहले उपन्यास आशा एंड द स्प्रिट बर्ड के लिए यूके के बच्चों का बुक अवार्ड किसे मिला है, तो जसविंदर बिगल के। अपने पहले उपन्यास आशा एंड द स्प्रिट बर्ड के लिए, ठीक है, आशा एंड स्प्रिट बर्ड के लिए यूके के बच्चों का बुक अवार्ड किसे मिला है, किसके द्वारा दिया गया, तो जसविंदर बिगल। अप्रैल 2020 में माधवपुर मेला कहाँ आयोजित किया गया था, तो गुजरात में माधवपुर मेला आयोजित किया गया था। इसरो ने घोषणा की है कि इसका उद्देश्य अंतरिक्ष संचार उद्देश्यों के लिए अपनी खुद की उपग्रह जोड़ी लॉन्च करना है, जिसे IDRSS कहा जाता है। IDRSS में R का क्या अर्थ है, तो R का जो अर्थ है वो है रिले, इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम। IDRSS का जो फुल फॉर्म अगर देखें तो इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम फुल फॉर्म होगा इसका। डैश को हाल ही में स्पेन का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है जनवरी 2020 में, तो पेट्रा सांचेंज को जो है हाल ही में स्पेन का प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न हमारा 169 नंबर, जसविंदर बिलन को डैश नामक उनके पहले उपन्यास के लिए यूके के बच्चों पुस्तक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये पूरा घुमा फिरा के पूछा गया है। तो यहाँ पे जो आंसर इसका सही होगा वो होगा आशा एंड द स्प्रिट बर्ड, जबकि अभी हमने देखा था। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT के चेन्नई में डैश को संचालित किया जाएगा, ठीक है। केंद्रीय हिंद महासागर नेतृत्व कार्यशाला को संचालित किया जाएगा। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT के चेन्नई में केंद्रीय हिंद महासागर नेतृत्व कार्यशाला क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, संचालित किया जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम खनिज कानून संशोधन अध्यादेश 2020 द्वारा संशोधित किया जाएगा, तो वो है 1 और 2 दोनों, यानी खान और खनिज अर्थात विकास और विनिमय अधिनियम 1957 और कोयला खान विशेष प्रावधान अधिनियम 2015। तो खान और खनिज विकास और विनिमय अधिनियम 1957 एवं कोयला खान अधिनियम 2015 को जो है अधिनियम जो है वो खनिज कानून संशोधन अध्यादेश 2020 द्वारा संशोधित किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 172 कि 4 दिवसीय बक्सा बर्ड फेस्टिवल का चौथा संस्करण जनवरी 2020 में पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाएगा। एक बार फिर से देखिएगा, 4 दिवसीय बक्सा बर्ड फेस्टिवल का चौथा संस्करण 2020 में कराया जाएगा जनवरी, ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाएगा। 173 है कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान में वार्षिक नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले 2020 के 28वें संस्करण का विषय क्या था, तो वो था गांधी द राइटर्स राइटर, ठीक है। तो जो नई दिल्ली में प्रगति मैदान में जो वार्षिक नई दिल्ली का विश्व पुस्तक मेले में 2020 में 28वें संस्करण का जो विषय था वो क्या था, गांधी द राइटर्स राइटर, ठीक है। विश्व प्रसिद्ध संत त्यागराज आराधना संगीत समारोह जनवरी 2020 तिरुवायारू में आयोजित किया गया था, और इसका उद्घाटन जो है वो किसने किया था इसको बताना, तो M वेंकैया नायडू ने किया था, ठीक है। तो जो विश्व प्रसिद्ध संत त्यागराज आराधना संगीत समारोह जो जनवरी 2020 में किया गया था, तिरु
वरारू में आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न हमारा 175 के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय अपने पहले उन्नत अनुमानों में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान कितना आंके थे? वे आंके थे 5%। डैश संसद ने जनवरी 2020 में एक कानून पारित किया जो सभी संयुक्त राज्य अमेरिका बलों और पेंटागन के आतंकवादियों के रूप में नामित करता है। तो ईरानी संसद ने जनवरी 2020 में एक कानून पारित किया जो कि सभी संयुक्त राज्य अमेरिका बलों को पेंटागन को आतंकवादियों के रूप में नामित करता है। मतलब कि ईरानी के द्वारा जब वहाँ पे हमला किया गया था, आप लोगों को पता भी होगा, तो ये काफ़ी मामला उठा भी था। तो उसने ईरानी सभा के द्वारा, ये ईरानी संसद के द्वारा, जो भी संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी जो सैनिक बल है उनको आतंकवादियों के रूप में घोषित कर दिया गया है। जनवरी 2020 में उद्घाटन किए गए 18वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में विषय वस्तु क्या थी? उसके विषय वस्तु थी बेहतर फिल्म, बेहतर दर्शकों और बेहतर समाज। किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो वो है रानी रामपाल। जनवरी 2020 में किस राज्य ने अम्मा वोडी योजना शुरू की है? तो जनवरी 2020 में अम्मा वोडी योजना जो है आंध्र प्रदेश राज्य ने शुरू की है। स्मृति ईरानी ने जनवरी 2020 में महिला उद्यमिता के लिए यशस्विनी योजना कहाँ शुरू किया था? तो वो गोवा में शुरू किया था। फरवरी 2020 में अम्बाला सिटी बस स्टैंड का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो सुषमा स्वराज के नाम पर अम्बाला सिटी बस का नाम जो है बदलकर सुषमा स्वराज के नाम पर रख दिया गया। तो 2020 में अम्बाला सिटी बस स्टैंड का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है। देश को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मिशन शुरू किया जाएगा? तो वो मिशन है तिलहन मिशन। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि फरवरी 2020 में कैबिनेट ने निम्नलिखित में से किस बिल को मंजूरी दी है जो देश की प्रत्येक महिला के लिए प्रजनन अधिकार सुनिश्चित करता है? तो असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन विधेयक। भारत डैश ने विश्व के सबसे स्वच्छ पेट्रोल और डीजल पर स्विच करेगा क्योंकि अब यह यूरो फोर्थ ग्रेड यूरो सिक्स उत्सर्जन अनुपालन ईंधन प्राप्त कर चुका है। तो भारत ने 1 अप्रैल 2020 को विश्व के सबसे स्वच्छ पेट्रोल और डीजल पर स्विच करेगा क्योंकि यह अब यूरो फोर्थ और ग्रेड यूरो सिक्स उत्सर्जन अनुपालन ईंधन प्राप्त कर चुका है। ठीक है, अब जो पेट्रोल और डीजल का जो है ये बंद कर किया जाएगा, अब यूरो फोर्थ और जो यूरो सिक्स है जो कि कम वायुमंडल में प्रदूषण को जो है मात्रा एकदम घटा देगा, तो वो चीज़ें ईंधन इसने प्राप्त कर लिया है भारत ने। अगला हमारा प्रश्न है कि फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा नए मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे चयनित किया गया है? तो वो है संजय कोठारी। ठीक है, ऑप्शन ए जो हमारा सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा। फरवरी 2020 में मिजोरम के मुख्यमंत्री ने 2020-21 के लिए 10,715 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राज्य का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया है। मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? तो मिजोरम के मुख्यमंत्री जो है वो है पू जोर मथांगा। फरवरी 2020 में नई दिल्ली में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिपों में ग्रीको रोमन आयोजनों के निम्नलिखित में से किसने कांस्य पदक जीता है? तो आशीष आदित्य कुंडू और हरदीप, इन तीनों ने क्या जीता है? फरवरी 2020 में नई दिल्ली में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन आयोजनों में जो है कांस्य पदक जीता है। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग ने फरवरी 2020 में भारतीय रक्षा उपकरणों पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया है, वो है ढाका में। ठीक है, बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोगों ने फरवरी 2020 में भारतीय रक्षा उपकरणों पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, यह ढाका में है। फरवरी 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी है। आयोग को कितने वर्ष तक कार्य करना होगा? आयोग कितने वर्षों तक कार्य करेगा? तो आयोग जो है वो 3 वर्षों तक कार्य करेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ भारत मिशन के चरण 2 को मंजूरी दे दी है। किस वर्ष तक खुले में शौच मुक्त प्लस अर्थात ओडीएफ प्लस का ध्यान केंद्रित किया जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन है वो तीसरा 2024 और 2025 तक ध्यान केंद्रित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ भारत मिशन के चरण 2 को मंजूरी दी है।
किस वर्ष तक खुले में शौच मुक्त प्लस अर्थात ODF प्लस ध्यान केंद्रित किया जाएगा 2024 और 25 में। भारत किन देशों के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास हैंड इन हैंड 2019 HIH आयोजित करेगा, तो वो है चाइना के साथ। ठीक है, भारत जो है वो चाइना के साथ हैंड इन हैंड का जो सैन्य अभ्यास है उसको प्रारंभ करेगा। अगला हमारा प्रश्न है कि फरवरी 2020 में दी बोर्ड ऑफ भारत ने रन फॉर इंडिया टी का आयोजन कहाँ किया है, तो वो किया है त्रिपुरा में। भारत ने फरवरी 2020 में टी बोर्ड ऑफ भारत ने रन फॉर इंडिया टी का आयोजन कहाँ पे किया है, त्रिपुरा में किया है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 193 किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव कोशिकाओं को जुड़ने और उन्हें संक्रमित करने वाले नावेल कोरोना वायरस के हिस्से का पहला 3D एटॉमिक स्केल मैप मापा है, तो वो है अमेरिका ने। ठीक है, अमेरिका ने इसको मापा है, ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तो जो कोरोना वायरस था उसको 3D स्केल पर जो है मापने का जो कार्य किया है, सर्वप्रथम पहले कार्य किया है तो अमेरिका, जो कि अभी आप लोग न्यूज़ पर भी देख सकते हैं कोरोना वायरस का जो 3D मैप है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2020 क्या है, तो विश्व सामाजिक दिवस 2020 है वो क्या है, क्लोजिंग द इनइक्वलिटी गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। ठीक है, तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो 2020 का जो थीम है, क्लोजिंग द इनइक्वलिटी गैप टू अचीव सोशल जस्टिस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। इसी प्रकार 195 हमारा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 AFC महिला एशियाई कप की मेजबानी करेगा, तो वो है भारत, ऑप्शन जो हमारा डी होगा वो सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है 196 शहर को विकसित करने के उपायों के तहत पास के धनुष कोड़ी में बनने वाले 50 मीटर ऊंचे लाइट हाउस की आधारशिला किसने रखी है, तो किसने रखी है, मनसुख मंडाविया ने रखी है, ऑप्शन जो हमारा सी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। 197 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा बन गया है, तो वो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो हमारा एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा बन गया है। तो जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दिल्ली में, तो वो प्लास्टिक मुक्त बना दिया गया है, पहला घोषित कर दिया गया है। फरवरी 2020 में किसने घोषणा की है कि वे जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए $10 बिलियन का फंड लॉन्च करेंगे, तो वो जेफ बेजोस ने ये घोषणा किया है कि वे जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए $10 बिलियन का फंड लॉन्च करेंगे। इसी प्रकार से अगर अगले प्रश्न की बात करें तो नीति आयोग सतत विकास लक्ष्य अर्थात SDG कॉन्क्लेव 2020 उत्तर पूर्वी राज्यों की साझेदारी सहयोग और विकास का आयोजन कहाँ कर रहा है, तो वो गुवाहाटी में कर रहा है। ठीक है, नीति आयोग सतत विकास लक्ष्य SDG कॉन्क्लेव 2020 उत्तर पूर्वी राज्यों को साझेदारी सहयोग और विकास का आयोजन गुवाहाटी में कर रहा है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा असम का पहला शून्य अपशिष्ट शहर बन गया है, तो ऑप्शन जो है ए जो है टीटबोर, ऑप्शन ए जो हमारा सही हो जाएगा। तो आज का जो हमारा सेशन था वो यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया कीजिए। जो भी दोस्त SSC CHSL या फिर एयरफोर्स का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए मैं इतना कर सकता हूं, तो आप लोग मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। आगे का जो हमारा सेशन है वो पार्ट टू जो है वो जारी रहेगा, जिसको कि हम अगले वीडियो में, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आया तो हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में इसका जो है जो ये सेशन है इसको जारी रखा जाए। तो यहाँ पे 220 क्वेश्चन जो कि टोटल यहाँ पे हैं, 20 क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ दिए गए, बाकी 200 क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आपको अगर कोई और फीडबैक जरूर दिया कीजिए दोस्तों अपने लास्ट में जो है वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।